आज हम सीखने वाले नारो प्लाजो पैंट। इसके लिए हमने लंबाई लिया, लंबाई में 5 इंच बढ़ाया, हिप्स लिया, हिप्स का तीसरा भाग करने का, कमर लिया और बॉटम लिया। उसके बाद हमने कपड़े पे गड़ी डाला, ऐसा डबल गड़ी, ऐसा ओपन साइड अपने और लेने का। उसके बाद लंबाई लेने का, लंबाई है 32 प्लस 5 37, 37 इंच लंबाई लेने का, 37 लंबाई लेने के बाद हिप्स जितना रहेगा उसका तीसरा भाग लेने का, 37.5 उसका तीसरा भाग लेने का, 12.5 इंच, 12.5 इंच हमने इधर लिया। उसके बाद सीट लंबाई लेने का, सीट लंबाई लेने के लिए ये जो हिप्स है इसका तीसरा भाग लेने का, हिप्स कितना है 37 का तीसरा भाग 12.5 अधिक 1.5 इंच। तो यहाँ से यहाँ लेने का सीट लंबाई 12.5 में 1.5 इंच मिलाने का, 14 लेने के बाद यहाँ से भी 12.5 लेने का, फिर इसको इस रेश को इस रेश से मिलाने का। ऊपर भी हमने 12.5 लिया, उसके बाद यहाँ से हमने 12.5 में 1.5 इंच बढ़ा के 14 लिया। ये सीट लंबाई है, सीट लंबाई, सीट कितना लिया, जो भी हमने हमारे हिप्स रहेगा उसमें 1.5 इंच ऐड करने का। उसके बाद यहाँ से 2 इंच लेने का, यहाँ से 2 इंच लेके इसको ऐसा शेप देने का। उसके बाद यहाँ से रेश मारने का, रेश मारने के बाद यहाँ से नीचे की तरफ से 2.25 इंच नीचे की तरफ से लेने का, 2 या 2.25 इंच, फिर इसको यहाँ से ऐसा शेप देने का। शेप देने के बाद बॉटम लेने का, बॉटम हमको 6 इंच चाहिए तो 6 में 2 बढ़ाने का, 6 और 2 8, 8 लेने का, डायरेक्ट 8 लेने का, 12 6 तो 6 लिया हमने, उसके बाद 2 इंच बढ़ाया तो इधर से 8 लिया। 8 लेने के बाद इसको यहाँ से यहाँ मिलाने का, पहले हमने लिया घेर, उसके बाद सीट लंबाई, इधर से सीट घेर लिया, फिर यहाँ से पूरा लंबाई के इधर से 2.5 इंच लिया, 2.25 इंच लिया, फिर यहाँ पे हमको सिल के 6 चाहिए तो हमने 8 लिया, 2 इंच इधर सिलाई में जाएगा। हाँ, इधर से सीट लंबाई लिया हमने 14, जो भी हिप्स रहेगा उसमें 1.5 बढ़ा के उसका तीसरा भाग। अभी हम इसे कट कर लेते हैं, ऐसे सिंगल काटने के बाद, मतलब ये डबल पीस है, ये आगे वाला पीस है, पीछे का पीस काटने के लिए इसी को रख के 1-1 इंच बढ़ा लेगा, नहीं तो एक ही साथ बताएगा तो समझ में नहीं आएगा। जो भी हमारा हिप्स रहेगा उसमें ही हमको तीसरा भाग करके लेना है, और बॉटम वगैरह जिसको जितना चाहिए उतना ले सकता है। इसके बाद हम ये वाला लाइन कट कर, ये हो गया हमारे आगे का पीस। अभी पीछे का पीस के लिए इसी पीस को रख के, पीछे का पीस ओपन साइड में ही इसी को रख के 1 इंच बढ़ाने का, सिर्फ सीट की तरफ से बढ़ाने का, इस तरह इसको बराबर रख के यहाँ से 1 इंच बढ़ाने का,
और इसको यहाँ से ऐसा 1 इंच बढ़ाने का। ये पीछे का पीस है, ये जो हम लोग अभी ड्रॉ कर रहे हैं ये पीछे का पीस है। और इसको अंदर की तरफ भी 1 इंच इधर लेके 1 इंच ऊपर को लेने का, ऊपर को लेके इसी में ऐसा मिलाने का और यहाँ से इसको लाइन खींचने का, 1 इंच बढ़ाने का बस, यहाँ से भी 1 इंच बढ़ाने का। उसके बाद इसको शेप देने का। हमने इस पीस को इस पे रखा, आगे का पीस को पीछे का पीस बनाने के लिए आगे के पीस पहले कट कर लिया, उसके बाद पीछे का पीस के लिए 1 इंच ऊपर को बढ़ाने का, 1 इंच आगे को बढ़ाने का, इधर भी 1 इंच, इधर से इधर 1 इंच आगे को बढ़ाने का, फिर उसको 1 इंच नीचे तक बढ़ाते हुए शेप देने का। इस तरफ जैसा है वैसे ही सेम पूरा कट करने का, जो भी है हमने आगे का पल्ला काटा वही सेम इधर भी काटने का। अभी हम इसको कट कर लेते हैं। कट करने का टाइम ये वाला रेश नहीं काटने का, ये काट अगर हमको बॉटम कम चाहिए तो बॉटम कम भी रख सकते हैं, फिटिंग चाहिए तो उस हिसाब से इधर से कम आएगा। अभी ये हाइट कम है इसलिए 37 आया, जिसको जितना लंबाई चाहिए उतना लंबाई ले सकते हैं। अभी हम इसका पॉकेट निकाल देते हैं, इसको खाली यहाँ से बढ़ेगा। अभी हम इसका पॉकेट निकाल, पॉकेट के लिए लंबाई हम लोग 12 या 13 इंच लग सकते हैं, चौड़ाई लेने का 8 इंच। ऐसे मैंने अभी 12 इंच लिया लंबाई और चौड़ाई लिया 7.5 इंच, 8 इंच भी लग सकता है, जितना बड़ा पॉकेट चाहिए उतना ले सकता है। यहाँ से हमने लंबाई और चौड़ाई लेके इसको यहाँ से यहाँ 3 इंच लेके थोड़ा ऐसे शेप दे देंगे। पॉकेट कई तरह का होता है, ये सीधा है, सिंपल है। दोनों तरफ अगर दोनों तरफ पॉकेट चाहिए तो दोनों तरफ कट कर सकते हैं। इसका हम लोग यहाँ से पूरा इसको कट कर देने का। कट करने के बाद इसको यहाँ से जब लगाएंगे हम लोग पॉकेट तो 4 इंच छोड़ देने का, ये 4 इंच छोड़ के इसको यहाँ से ऐसा लगाना है, यहाँ से लगाने का, इसको यहाँ से यहाँ तक सिलाई बांधने का। ये हम लोग 5 या 5.5 इंच पहले इसको जॉइंट इतना छोड़ के लगाने का, 5 या 5.5 इंच ऐसा हाथ जाते हुए ऐसा ऐसा हाथ रख के देखने का, उससे थोड़ा लूज रहना चाहिए। फिर इसको ऐसा यहाँ से सिलाई मार के अंदर को पलटी करने का। और ये इलास्टिक डालने के टाइम इलास्टिक जो है, इलास्टिक इसमें लेने के लिए जो भी कमर रहेगा उसे 5 या 6 इंच कम रखने का। इलास्टिक इलास्टिक 1.25 इंच का लेने का, 1 इंच का नहीं, 1.25 इंच का इलास्टिक। अगर ज़्यादा चौड़ा रखना है तो ऊपर सीट की लंबाई और बढ़ा के लेने का। इलास्टिक 1.25 इंच का रहेगा तो यही माप से ही यही माप रहेगा, 1.5 इंच ही बढ़ाने का। तो अभी कमर कितना है, 35 है, तो उसमें से हमने 6 इंच कम किया तो 29 इंच का इलास्टिक आएगा, 29 इंच का, 29 इंच का इसमें इलास्टिक आएगा। इलास्टिक के लिए इधर से इधर हम लोग ऐसा फोल्ड करने का, 1.25 इंच का रहेगा तो जो 1.25 इंच है वही फोल्ड करने का, पहले 1.5 इंच फोल्ड करने का, उसके बाद 1.25 इंच से थोड़ा लूज फिर नॉर्मल 1 इंच फोल्ड कर लेने का। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू।